दोस्तों क्या आपको पता है कि लैब्राडोर रिट्रीवर्स कितने तरीके के होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है और आप कैसे पहचाने कि आपका लैब्राडोर रिट्रीवर कौन सा लैब्राडोर रिट्रीवर है, कौन से टाइप का लैब्राडोर रिट्रीवर है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखिए और द अल्टीमेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। वैसे तो अगर बोले दोस्तों हिस्ट्री के अनुसार कि लैब्राडोर रिट्रीवर्स कनाडा के एक टाउन न्यूफाउंडलैंड से ओरिजिनेट है, पर दोस्तों इसको ब्रीड की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड में। 18वीं शताब्दी में कनाडा से बहुत सारे फिशरमैन और एरिस्टोक्रैट लोग जब कनाडा से इंग्लैंड जा रहे थे तो अपने साथ लैब्राडोर को लेके चले गए और वहाँ पर जाके ब्रीड को डेवलप किया। यहाँ तक कि 1903 में इंग्लिश केनल क्लब ने पहली बार लैब्राडोर रिट्रीवर को रिकॉग्नाइज किया और अमेरिकन केनल क्लब ने 1917 में किया। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे इतिहास तो हम सबको पता है, TUC में द अल्टीमेट चैनल वीडियो तो ऑलरेडी बन चुकी है लैब्राडोर के हिस्ट्री में, तो आज क्या नया है। तो आज हम बताने वाले हैं कि लैब्राडोर कितनी तरीके के होते हैं। लैब्राडोर दो टाइप के होते हैं, इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर और अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर। हालांकि इन दोनों ही लैब्राडोर रिट्रीवर का लोकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों चलती भाषा में जो अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर होता है उसको बोला जाता है फील्ड लैब्राडोर रिट्रीवर, फील्ड, ठीक है। और जो इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर होता है उसको बोला जाता है शो क्वालिटी लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर रिट्रीवर को ब्रीड इसलिए किया गया था क्योंकि जो शिकारी होते थे, गनमैन शिकारी होते थे, वो बर्ड्स का शिकार करते थे और बर्ड्स जब गिरता था तो उसको फेच करके उठा के लैब्राडोर रिट्रीवर शिकारी तक लेके आते थे बिना कोई खरोच के, कोई खाते वाते दांत नहीं लगता था, खाते नहीं थे उसको, उसको बिल्कुल सेफली पकड़ के अपने जो शिकारी ओनर है उन तक लेके आते थे, इसलिए लैब्राडोर रिट्रीवर को ब्रीड किया गया था। लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत ही फ्लेक्सिबल डॉग हुआ करता था, बहुत ही एक्टिव डॉग हुआ करता था, बहुत ही एनर्जेटिक डॉग हुआ करता था। पर जब वो इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में लैब्राडोर रिट्रीवर को शो क्वालिटी डॉग बना दिया गया। लैब्राडोर रिट्रीवर को डॉग शोज में पार्टिसिपेट कराया गया क्योंकि उस समय नया नया इंग्लैंड में डॉग शो स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग शोज में आने लगे उनको एज अ पेट भी रखने लगे लोग, एज अ पेट भी उनको पहचान मिलने लगी। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग एज अ पेट लैब्राडोर रिट्रीवर को रखने लगे। पर दोस्तों आखिरकार अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर और इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर में अंतर क्या होता है। तो जो अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर होता है वो थोड़ा पतला होता है, उसकी टांगे थोड़ी लंबी होती है, उसका जो फेस होता है वो थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। वो पतला होता है, टांगे थोड़ी बड़ी होती है, फेस थोड़ा नैरो होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो काम करने को बेचैन होता है, उसको काम दो, वो भागता दौड़ता रहता है, एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग होता है। वहीं पे दोस्तों जो इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर है वो थोड़े शो क्वालिटी के होते हैं, वो एज अ पेट सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो वो थोड़े मोटे होते हैं, टांगे उनकी थोड़ी छोटी होती है और दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो उम्र के साथ साथ थोड़े थोड़े सुस्त होते रहते हैं। अब दोस्तों बात आती है आप हम जैसे लोग कैसे पहचाने कौन सा अमेरिकन लैब्राडोर है, कौन सा इंग्लिश लैब्राडोर है। तो सबसे पहला तो वही है अपीरियंस। जो अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर होता है उसकी टांगे लंबी होती है, वो पतला होता है, वो थोड़ा आपको ज़्यादा एनर्जेटिक मिलेगा, भागता दौड़ता हुआ ज़्यादा मिलेगा। और एक और चीज़, उसकी जो पूंछ होती है वो थोड़ी अपवर्ड होती है, पतली होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में होती है ज़्यादातर जो अमेरिकन लैब्राडोर होते हैं। जो इंग्लिश लैब्राडोर होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, बल्की होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं पर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, ठीक है। वो वक्त के साथ साथ सुस्त होते रहते हैं। उनकी जो पूंछ होती है वो पूंछ थोड़ी मोटी होती है, छोटी होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है। दूसरा फ़र्क आप बता सकते हो दोनों की पर्सनैलिटी में। अमेरिकन लैब्राडोर को देख के ही आपको लगेगा भाई ये तो फील्ड वर्किंग डॉग है, ये वर्किंग डॉग क्वालिटी का है भाई, ये वर्क, इसको काम दो, ये काम करने को तैयार रहता है। वही अगर इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर को आप देखोगे तो वो एक बहुत शानदार पेट डॉग होता है, वो घर में रखने के लिए, लोगों से मिलाने के लिए, खेलने के लिए वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब प्यार करने के लिए बहुत ही, प्यार करने के लिए डॉग चाहिए तो इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर है, काम करने के लिए डॉग चाहिए तो अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर है।
दोस्तों दोनों लैब्राडोर रिट्रीवर के फेस में भी आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। जो अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर होता है उसका फेस थोड़ा नैरो होता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है, और जो इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर होता है उनका फेस थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर और अमेरिकन लैब्राडोर रिट्रीवर। दोनों ही रिट्रीवर अच्छे हैं, दोनों ही लैब्राडोर रिट्रीवर अच्छा है। अब आपकी चॉइस है आप कौन सा ले। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैब्राडोर रिट्रीवर अच्छे वर्किंग डॉग नहीं हो सकते या अमेरिकन लैब्राडोर अच्छे पेट डॉग नहीं हो सकते। कुछ एक्सेप्शन होते ही है, और दोनों ही आजकल तो सब कुछ मिक्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच चल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रीडर्स हर चीज़ मिक्स कर देते हैं, तो आजकल शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी आप पहचान लेंगे देखते ही कौन सा अमेरिकन है कौन सा इंग्लिश है। फिर से बता दे रहा हूँ, इन दोनों का लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का लेना देना है एक है वर्किंग डॉग, एक है शो डॉग। बस यही दोनों में अंतर है, लोकेशन का बस नाम दे दिया गया है। तो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया के नंबर 1 पेट चैनल द अल्टीमेट चैनल को। जय हिंद।